हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम अपने मेमोनिक सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे जितने भी ड्रग्स कफ को ठीक करने के लिए यूज होते हैं, इनके क्लासिफिकेशन को कैसे इजीली ट्रिक बनाकर याद किया जाए। आइए सबसे पहले हम ड्रग के बारे में क्लासिफिकेशन देख लें। ऐसे सारे ड्रग जो कफ को ठीक करने के लिए यूज होते हैं, यानी कि ड्रग यूज फॉर द कफ, इनको हम मुख्य रूप से चार क्लास में डिवाइड करते हैं। पहली क्लास है फेरेंजियल डिमल्सेंट का, जिसके अंदर लोजेंजेस, कफ ड्रॉप, लिंचर सिरप, ग्लिसरीन, एलिकोराइज एग्जाम्पल कंसिडर किए गए हैं। दूसरी क्लास है एक्सपेक्टोरेंट या तो म्यूकोकाइनेटिक्स का, इनके अंदर हम बहुत सारे ड्रग को देखेंगे जिनको मेन रूप से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसके हम जितने भी एग्जांपल हैं उनको आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। अगला क्लास है हमारा एंटीटसिव कफ सेंटर सप्रेशेंट का, यानी ऐसे ड्रग जो कफ सेंटर को सप्रेस करके अपना एंटीटसिव इफेक्ट शो करते हैं। इनके भी एग्जाम्पल हम विथ ट्रिक आगे के साइड में देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वह है एडजुवेंट एंटी टेस्टिव ड्रग का, जिनके अंदर ब्रोंकोडायलेटर्स, साल्बुटामोल और टर्बुटालिन ऐसे ड्रग्स के एग्जांपल आते हैं। आइए अब हम अपने पहले क्लासिफिकेशन को देख लें। हमारा पहला क्लासिफिकेशन है फेरेंजियल डिमल्सेंट का। फेरेंजियल डिमल्सेंट क्या होते हैं? फेरेंजियल डिमल्सेंट वो एजेंट होते हैं जो गले में स्मूथ एक कवर फॉर्म करते हैं, और जिस इरिटेंट की वजह से स्टिमुलस कॉज हो रहा था उस इरिटेंट को मास्क कर देंगे, और इरिटेंट को मास्क करने की वजह से उनसे निकलने वाले स्टिमुलस को ये ब्लॉक कर देंगे। सो इट इज नॉट अ ट्रीटमेंट, इट इज जस्ट टेम्पररी रिलीफ। इस एग्जांपल को समझने के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इस डायग्राम से आपको समझने में आसानी होगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि एक स्टिमुलस है जो इरिटेंट के कारण से कॉज हुआ, यानी इरिटेंट ने स्टिमुलस कॉज किया और ये हमारे ब्रेन तक पहुंचा, जिसकी वजह से रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू हमें कफिंग होना स्टार्ट हुआ। अगर हम डिमल्सेंट लेते हैं तो ये डिमल्सेंट आपके उस इरिटेंट को मास्क कर देगा, यानी कि कवर कर देगा, जिसकी वजह से इसका कॉन्टेक्ट तो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा और एक ये ब्रेन तक सिग्नल भी नहीं भेज पाएगा, जिसकी वजह से हमारा रिफ्लक्स नहीं होगा, यानी कफ के प्रॉब्लम को काफी हद तक हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। बट स्टिल आई एम सेइंग दिस इज नॉट ट्रीटमेंट, दिस इज जस्ट टेम्पररी रिलीफ। इसके एग्जाम्पल के एग्जाम्पल है लोजेंजेस, सिरप, ग्लिसरीन, कफ ड्रॉप, लिंचेस एंड लिकोराइज। हमने पहले के वीडियो में अपलोड किया हुआ है कि मेमोनिक्स बनाने का क्या फंडा है। अगर आपने पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, आप इनको यूज करके पुराने वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। सो हमने इस फेज को यूज करते हुए एक सेंटेंस बनाया है, लो सिरप पी के गले का कवर लगा लिया। इसको कैसे बनाया? आप देख सकते हैं कि ऊपर के जो एग्जाम्पल है उनके हर एक वर्ड में कुछ पॉइंट्स को लेकर हमने एक रेड कलर में डिनोट किया हुआ है, इनको यूज करते हुए हमने ये फेज बना लिया। जैसे लोजेंजेस से हमने एलो लिया तो यहाँ पे नीचे भी लो हो गया, सिरप को हमने एज इट इज पूरा का पूरा ले लिया और सिरप में पी वर्ड हमने एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि सिरप को पिया जाता है, ग्लिसरीन में से जी एल वाई दैट इज गला, सो हमने यहाँ पे गला वर्ड यूज करके ग्लिसरीन को डिराइव किया। का सो एक सेंटेंस को एड करने के लिए है का, और कवर स्टैंड्स फॉर कफ का सी ओ, कवर लगा इज फॉर लिंचेस का एल एंड लिया फॉर लिकोराइज का ली। सो इस तरह से हमने कुछ वर्ड्स को यूज करते हुए सेंटेंस बनाया है, लो सिरप पी के गले का कवर लगा लिया। हमारा अगला जो क्लास है वो है एक्सपेक्टोरेंट या तो म्यूकोकाइनेटिक्स का। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट मतलब ऐसे सारे ड्रग्स जो कि कफ को एक्सपेल करे। सो द एजेंट विच एक्सपेल द कफ इज नोन एज एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोकाइनेटिक्स। व्हाट इज म्यूकोकाइनेटिक्स? म्यूकोकाइनेटिक्स मींस दोज एजेंट व्हिच इंक्रीज द काइनेटिक्स ऑफ म्यूकस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ म्यूकोकाइनेटिक्स। यानी कि कफ को वो लेस विस्कस में कन्वर्ट करेंगे जिसकी वजह से उसको एक्सपेल करने में इजी होगी, यानी कि कफ के बाहर निकालने के प्रोसेस के स्पीड अप को इंक्रीज करेंगे, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ म्यूकोकाइनेटिक्स। सो एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोकाइनेटिक्स आर द ड्रग व्हिच प्रोड्यूस देयर एक्शन आइदर बाय इंक्रीजिंग द म्यूकस प्रोडक्शन or by decreasing the viscosity of fluid so that they become thin and easily expelled out. कफ अगर ज्यादा विस्कस है, म्यूकस अगर ज्यादा विस्कस है तो इसे एक्सपेल करने में प्रॉब्लम होगी। वी हैव ऑलरेडी फेस दिस प्रॉब्लम। सो अगर हम कफ की विस्कोसिटी को कम करें तो उसकी एक्सपेलेबिलिटी, जिसको हम एक्सपेल कर सकते हैं, वो बढ़ जाएगी। सो द एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोकाइनेटिक्स आर दोज एजेंट व्हिच आइदर इंक्रीज द काइनेटिक्स ऑफ म्यूकस और दे डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ कफ। सो एक एग्जाम्पल हमने लिया है, ये डायग्राम का कोई रेफरेंस नहीं है, इसे हमने जस्ट थ्योरी से कन्वर्ट किया है ताकि आपको समझ में आ सके जल्दी से।
ये आपके लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं इसमें कफ के जो दो बॉन्ड है ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो ये जो बॉन्ड है वो बहुत क्लोज क्लोज है, डेंस है, इसकी वजह से ये कफ ज्यादा विस्कस है। बट अगर हम इसको एक्सपेक्टोरेंट देख करके या म्यूकोकाइनेटिक देख करके ट्रीट करना चाहते हैं तो म्यूकोकाइनेटिक और एक्सपेक्टोरेंट इन दोनों के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से कफ की विस्कोसिटी कम होगी, और जब विस्कोसिटी कम होगी तो ये इजिली एक्सपेल्ड आउट हो जाएगा। सो विस्कोसिटी को कम करके एक्सपेक्टोरेंट अपना एक्शन शो करते हैं। इनके अंदर के एग्जाम्पल को अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से डिवाइड करना चाहेंगे तो हम इसे दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर, दूसरा है म्यूकोलाइटिक्स। ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर मतलब ऐसे ड्रग जो ब्रोंकियल के सिक्रेशन को इंक्रीज करेंगे, और म्यूकोलाइटिक्स इट इज नॉट म्यूकोकाइनेटिक्स हियर, म्यूकोलाइटिक्स मतलब जो म्यूकस के बीच के बोन को लाइसिस कर देंगे, जो ब्रेक कर देंगे, तो इट्स कॉल्ड म्यूकोलाइटिक्स। सो म्यूकोलाइटिक्स देखकर ही कोई ड्रग म्यूकोकाइनेटिक्स भी कहला सकता है। सो लेट्स सी द एग्जांपल। ब्रोंकियल सिक्रेशन इनहेंसर के अंदर एग्जांपल है सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वानिफेसिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका, अमोनियम क्लोराइड। वैसे तो एग्जाम्पल बहुत इजी है, जिन आप इजीली याद कर सकते हैं, फिर भी हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाया हुआ है। ये ट्रिक देखिए, हमने सारे एग्जाम्पल के पहले पहले वर्ड को रेड कलर में कन्वर्ट कर दिया है। सो एग्जाम्पल को यूज करते हुए हमारा फेज बनता है सॉल्टेड पीनट पकड़ो, इससे गले से बेहतर वॉइस आनी चालू हो जाएगी। इट इज वेरी वेल नोन फैक्ट कि अगर किसी को कफ है या गले में प्रॉब्लम है तो नमक मिला हुआ सॉल्टेड पीनट यूज करने से, यानी कि नमक यूज करने से गले के इन्फेक्शन में काफी हद तक रिलीफ मिलता है, चाहे वो गार्गल हो चाहे वो नमक यूज किया हुआ पीनट हो। सो वी हैव यूज दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड मेड अ फेज। सोडियम साइट्रेट, पोटेशियम साइट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, ग्वानिफेसिन, बाल्सम ऑफ टोलू, वसाका, अमोनियम क्लोराइड के हर एक सेंटेंस से हर एक का पहला वर्ड यूज करते हुए बना सॉल्टेड पीनट पकड़ो, इससे गले से बेहतर वॉइस आनी चालू हो जाएगी। सो अगला है हमारा क्लास म्यूकोलाइटिस। म्यूकोलाइटिस के अंदर एग्जांपल है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। इनके भी पहले वर्ड को हमने रेड कलर से डिनोट किया हुआ है, और इनको यूज करते हुए हमने एक फेज बनाया, बैठा आवाज अब चालू हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आप सॉल्टेड थेरेपी लेते हैं, सॉल्ट थेरेपी लेते हैं, तो उससे जो गला कफ है जिससे गले बैठ सकते हैं वो वापस से रिस्टोर हो जाएगा, यानी बैठा आवाज अब चालू हो जाएगा। सो ब्रोमोहेक्सिन यानी ब्रोमहेक्सिन का पहला वर्ड बी, बी फॉर बैठा। एम्ब्रोक्सोल का पहला वर्ड ए, यानी कि ए फॉर आवाज। एसिटाइल सिस्टीन से अब ए यूज किया हमने, और कार्बोसिस्टीन से सी, यानी चालू हो जाएगा। सो इस तरह से फेज बना, बैठा आवाज अब चालू हो जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए स्टार्टिंग में कि कैसे किस वर्ड को कैसे याद रखा जाए, बट आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले के दो वीडियो देखिए, इसे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी आपको समझने में। नेक्स्ट है हमारा क्लास एंटीटसिव कप सेंटर सप्रेशर। एंटीटसिव कप सेंटर सप्रेशर मतलब ऐसे ड्रग कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं, उसके थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करते हैं। यानी अगर नॉर्मल केस की अगर हम बात कर लें तो कोई कफ सेंटर अगर नॉर्मल स्टिमुलस के प्रेजेंस के कारण ही स्टिमुलेट हो जाता था तो इससे कफिंग स्टार्ट होती थी। बट अगर हम उस पोटेंसी को इंक्रीज कर दें कि अब हमारा जो कफ सेंटर है वो छोटे स्टिमुलस के प्रेजेंस में एक्टिवेट ना हो, उसके लिए ज्यादा स्टिमुलस की आवश्यकता पड़ेगी, तो जो कफिंग है वो काफी देर के लिए रुक जाएगा। इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं डायग्राम बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एक इरिटेंट आता है जिसे रेड कलर से हमने थ्रोट के पास डिनोट किया हुआ है, तो ये इरिटेंट का जो थ्रेशोल्ड है जो कम अमाउंट में भी कॉज कर सकता है इरिटेशन, ये ब्रेन तक पहुंचता है, ब्रेन से कप सेंटर में पहुंचता है, उसको एक्टिवेट करता है, उसको एक्टिवेट करने की वजह से कफिंग स्टार्ट हो जाती है। बट अगर हम इस थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर दें तो इरिटेंट को ज्यादा मात्रा में एक्टिविटी शो करनी पड़ेगी जिससे वो कफिंग को इनिशिएट कर सके। सो देर आर डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ एंटीटसिव कप सेंटर सप्रेशन, जैसे उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से ओपिओइड, नॉन ओपिओइड, एंटीहिस्टामिनिक। ओपिओइड के अंदर के एग्जाम्पल है कोडीन एंड फोनकोडीन। इसके पहले वर्ड को यूज करते हुए हमने सेंटेंस बनाया कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो, कोडीन का पहला वर्ड है सीओडी एंड पीएच फॉर फेंक दो। ऑब्वियसली इन केस ऑफ कफ और थ्रोट इन्फेक्शन अगर कोल्ड ड्रिंक पिया जाएगा तो इससे गले को और प्रॉब्लम होगी। सो इफ यू वांट टू टेक रिलीफ फ्रॉम द कफ और थ्रोट इन्फेक्शन यू शुड थ्रो आउट द कोल्ड ड्रिंक। सो कोडीन दैट मीन्स कोल्ड ड्रिंक,
फेकोलोन मैट मीन्स फेक दो, सो कोल्ड ड्रिंक को फेक दो. दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फेज फॉर ओपियोइड ड्रग. दूसरा है हमारा नॉन ओपियोइड. नॉन ओपियोइड के अंदर एग्जांपल है नोसैकेपीन, डेक्स्ट्रोमेथोफ्रेन एंड क्लोरफेनिडोल. मतलब इनके पहले वर्ड को यूज करते हुए हमने क्या सेंटेंस बनाया है, हमने बनाया है नहीं देना चॉकलेट कफ में. चॉकलेट इज ऑल्सो नॉट गुड इन केस ऑफ कफिंग. सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ दीज एग्जाम्पल हैव बीन यूज टू मेक अ फेज. एन डी ई सी, ना देना चॉकलेट किसमें, ऑब्वियसली वी आर स्टडिंग अबाउट द कफ, सो ना देना चॉकलेट इन कफ. नेक्स्ट है एंटी हिस्टामिनिक. ऐसे ड्रग जो हिस्टामिन के सीक्रेशन को इनहिबिट करते हैं, दोस ड्रग आर सिंपली नोन एज एंटी हिस्टामिनिक. हिस्टामिन के सीक्रेशन की वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है और इसकी वजह से म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कफिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. सो अगर हम हिस्टामिन की रिलीज को ही इनहिबिट कर दें तो इससे कफिंग की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो सकती है. सो व्हाट आर द एग्जाम्पल अंडर द एंटी हिस्टामिनिक कैटेगरी, देर आर क्लोरफेनिरामाइन, डाइफेनाइल हाइड्रामीन एंड प्रोमेथाजीन. इन सारे एग्जाम्पल के कुछ कुछ के वर्ड को हमने रेड कलर में डिनोट किया है ताकि इससे एक सेंटेंस बना सके. हमारा फेज होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए क्लोरमिन दिए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी. क्लोरफेनिरामीन, क्लोर, क्लोर फॉर क्लोरमिन, डी आई फॉर दिया, तो प्रोमेथाजीन का प्रो, तो क्लोरमिन दिया तो प्रॉब्लम बढ़ेगी. ऑब्वियसली क्लोरमिन इज अ चॉकलेट विच इज कूल इन इट्स नेचर और इट्स टेस्ट. सो ये आपके गले में इरिटेशन को और इंक्रीज कर सकता है. सो अगर आप इस गले के इरेक्शन से, इस या इसके प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो यू हैव टू अवॉइड द क्लोरमिन. दैट मीन्स क्लोरफेनिरामीन, डाइफेनिलहेड्रामीन, प्रोमेथाजीन के एग्जांपल हो गए. क्लोरमिन दिए तो प्रॉब्लम बढ़ेगी. हमारा नेक्स्ट क्लास है एडजुवेंट एंटीटसिव. Adjuvant antitussive are those drugs which are used simultaneously or which are used for the support of previously studied antitussive drug. Adjacent antitussive drug ऐसे drug हैं जो पिछले के जितने antitussive drug हमने देखा है उनके साथ में उनके support करते हुए use किए जाते हैं. इनके main example हैं bronchodilators जो कि एक group है, salbutamol और terbutaline. ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? ब्रोंकोडायलेटर्स ऐसे ड्रग हैं जो ब्रोंकियल्स को डायलेट करते हैं. जो ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है और इसकी वजह से इरिटेशन कॉज हो रहा है, स्टिमुलस जनरेट हो रहा है, तो इससे कफ सेंटर स्टिमुलेट होता है और कफिंग स्टार्ट होती है. तो अगर हम ब्रोंकियल को जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुका है इसे हम किसी तरीके से डायलेट कर सकें तो वो प्रॉब्लम को हम मिनिमाइज या इनहिबिट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं. सो ऐसे ड्रग ब्रोंकोडायलेटर्स कहलाएंगे जो ऑब्वियसली ब्रोंकिया को डायलेट करेंगे. और कुछ एग्जाम्पल हैं सॉल्बुटामॉल और टर्ब्यूटालिन. इन एग्जाम्पल के कुछ स्टार्टिंग के वर्ड को यूज करते हुए और बीच में फिलर को फिट करते हुए हमने एक फेज बनाया है, सेंटेंस बनाया है. दैट इज ब्रोंकिया को डायलेट करना हो तो गले को सॉल्ट से तर कर दो. सबसे पहले हम इस गले को सॉल्ट से तर कर दो का मतलब समझ लेते हैं. गले को सॉल्ट से तर कर दो मतलब गार्गल करना. गार्गल करते टाइम हम एक ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा एक्सेस सॉल्ट मिला करके उसे गार्गल करते हैं. सो ये हो गया गले को तर कर देना. सो व्हाई दिस फेज हैज बीन डिराइव, व्हाई दिस फेज हैज बीन मेड, जस्ट बिकॉज यूजिंग द फ्यू वर्ड्स ऑफ अबव एग्जांपल. ब्रोंकोडायलेटर्स में से हमने ब्रोंको लिया, दैट्स कंप्लीटली ब्रोंकिया. बीच में हमने फिलर डाला जैसे को डायलेट करना हो तो गले को. ये जो बीच है के वर्ड है ये फिलर है, इनके सेंटेंस में एग्जाम्पल से लेना देना नहीं है. सो नेक्स्ट वर्ड है सॉल्ब्यूटामोल से सॉल्ट, सॉल्ट और सॉल्ब्यूटामोल. एक वर्ड हमें एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा टी, दैट विल कंप्लीट द सेंटेंस, सॉल्ट बना देगा. सो हमने सॉल्ट से तर कर दो. टर्ब्यूटालिन का टर हमने यूज किया तर. सो इस तरह से हमारा फेस बना ब्रोंकिया को डायलेट करना हो तो गले को सॉल्ट से तर कर दो. ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंकिया को डायलेट करना हो तो ऑब्वियसली ब्रोंको डायलेटर्स. सॉल्ब्यूटामोल मीन्स सॉल्ट, टर फॉर तर. सो दिस इज एग्जाम्पल और फेस फॉर एडजुवेंट एंटीटसिव ड्रग. आई होप कि आपको ये वाला वीडियो ट्रिक का पसंद आया होगा. हमने इसके पहले दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, उनमें हमने कुछ प्रिंसिपल और कुछ फैक्ट कैसे बनाए वो दिया हुआ है. तो अगर आपसे ये वीडियो सीधे देख रहे हैं तो पिछले के दो वीडियो को देखना ना भूलें. थैंक यू.